आज जमींदार छात्र सभा जेएसयू संगठन ने हरियाणा के हिसार में किसानों के लिए लागू 3 अध्यादेशों का एक अजीब तरीके से विरोध किया। 500 के करीब युवा और महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर हिसार जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेताया कि धरनों पर बैठे बुजुर्ग किसान अकेले नहीं है, जरूरत पड़ी तो युवा भी आगे निकल कर आएंगे। आदमी के समझ में नहीं आ रही है, ये मीठे मीठे मीडिया से दिखा रहे हैं, मीडिया इनको चला रहा है, इस देश को मीडिया चला रहा है। आप बुरा मत मानना और मानो तो मानने जाओ भाई, सीधी सी बात नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है, ये जो बड़े बड़े लोगों का आपने जिक्र किया है, अंबानी अडानी का भी आपने जिक्र किया है, तो कहने का मतलब ये है कि ये किसानों से डायरेक्ट माल खरीदेंगे बहुत कम रेट पे, और आने वाले वक्त के अंदर ये 2-2 किलो 5-5 किलो की पैकिंग बन के और ये मॉल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राइस के ऊपर ये बिकने वाली है, जिसके लिए एक आम व्यक्ति और किसान और साथ में अगर मंडी के व्यापारी का भी जिक्र करें तो वो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा। सारे जिम्मेवार हैं। आज एक स्टोर पे जो इजी डे का स्टोर था, 58 रुपये का मक्के का भट्टा बिका, आप ऑनलाइन अवेलेबल है, और किसान का 2.5 रुपये में नहीं बिकता, रेडी वाले का 10 रुपये में मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचो कहाँ लूट है, ये लूट कहाँ जा रही है? क्या चंद व्यापारियों के पास चीजें इकट्ठी हो रही हैं? तो इकट्ठी, उन्होंने गोदाम बनाए थे 4 साल पहले, कहा था कि सरकार बिना अनाज रखेगी, आज वो गोदाम अडानी अंबानी के बने हुए हैं, सब कुछ रेडी है। सरकार के ऊपर तो पड़े, सरकार लाचार, सरकार बेचारी, वो कहते हैं मजबूत सरकार है, हम कहते हैं लाचार सरकार है। तुमने अडानी अंबानी के आगे घुटने टेक दिए।